एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली में छत्तीसगढ़ और केंद्र सरकार की विभिन्न स्वास्थ्यगत योजनाओं का लाभ उठाकर सैकड़ों मरीज लाभान्वित हो रहे हैं। डॉक्टर खूबचंद बघेल और आयुष्मान कार्ड योजना से मुफ्त में गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा चुका है। एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली के अस्तित्व में आने के बाद से ही अस्पताल के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा विभिन्न गंभीर बीमारियों से ग्रसित पीड़ित मरीजों का सफलतापूर्वक उपचार और ऑपरेशन किया जा चुका है। अस्पताल दुर्ग संभाग के मरीजों के लिए वरदान साबित हो रहा है। डेंगू से लेकर वैश्विक महामारी कोरोना तक अस्पताल ने मरीजों को स्वस्थ करने अपने दायित्व का सफलतापूर्वक निर्वहन किया है। एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली में छत्तीसगढ़ शासन और केंद्र की विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ मरीजों को उपलब्ध कराकर उनका इलाज निःशुल्क किया जाता है। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा लागू की गई डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना का लाभ उठाकर सैकड़ों मरीज लाभान्वित होकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं आयुष्मान कार्ड योजना का लाभ भी बड़ी संख्या में मरीजों को दिया जा रहा है। इन योजनाओं को लेकर अस्पताल के चेयरमैन संजय तिवारी, अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर रंजन सेन गुप्ता और शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एसपी केशरवानी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। मैं संजय तिवारी, चेयरमैन एसआर हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर चिखली दुर्ग। एसआर हॉस्पिटल चिखली दुर्ग में आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के पात्र हितग्राही मरीजों का इलाज योजना के अंतर्गत निःशुल्क किया जाता है। एसआर हॉस्पिटल चिखली जो है वर्ष 2018 से समाज में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। 2018 से ही योजना का लाभ हम क्षेत्रवासियों को प्रदान कर रहे हैं। जब दुर्ग जिले में डेंगू का प्रकोप बढ़ा था तो जितने भी डेंगू पीड़ित थे, जिन्हें डेंगू हुआ था, इस अस्पताल में डेंगू पीड़ित लोगों का इलाज जो है आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत निःशुल्क किया गया था। समय समय पर योजना का लाभ क्षेत्रवासियों को मिला है। उसी प्रकार जब वैश्विक महामारी कोविड, जिसकी पहली लहर आई, उस पहली लहर में भी क्षेत्रवासियों को, संभागवासियों को आयुष्मान योजना का लाभ जो है हमने दिलाया। वे मरीज जो राशन कार्ड लेके आते थे, उनका इलाज जो है कोविड पॉजिटिव होने पे हमारे द्वारा किया गया। फिर पुनः डेंगू की दूसरी लहर आई। डेंगू की दूसरी लहर में भी आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत वे मरीज जो राज्य सरकार की योजना है, डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना, उसके अंतर्गत PMJAY योजना के अंतर्गत जो पात्र हितग्राही अपना कार्ड लाते थे, उनका इलाज अस्पताल में निःशुल्क किया गया। फिर जब कोविड का तीसरा दौर आया, तीसरे दौर में भी हमने आयुष्मान योजना, डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना का लाभ क्षेत्रवासियों को दिलाया। राज्य सरकार और केंद्र सरकार की यह योजना अत्यंत ही महत्वपूर्ण और लाभकारी है। जो BPL कार्ड धारक होता है, BPL कार्ड का जिसके पास राशन कार्ड होता है और आधार कार्ड होता है, ऐसे लोगों को शासन द्वारा 5 लाख रुपए तक के इलाज की सुविधा पूरे परिवार के लिए प्रदान की जाती है। और छत्तीसगढ़ जो राज्य है, छत्तीसगढ़ राज्य के मुखिया माननीय भूपेश बघेल जी, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन द्वारा योजना लागू की गई, उस योजना का लाभ है डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना। जो छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, जिनके पास में APL कार्ड है, राशन कार्ड, उन सभी पात्र हितग्राहियों का जो मरीज है, उनका इलाज 50,000 तक का जो है वह निःशुल्क प्रदान किया जाता है। यह हमारा जो छत्तीसगढ़ है, यह अभी रोल मॉडल है और पूरे भारतवर्ष में जो योजना माननीय भूपेश बघेल जी ने लागू की है APL कार्ड धारकों के लिए, वह बहुत ही लाभकारी और महत्वपूर्ण योजना है। उसमें अन्य कई सारे विभाग हैं, जिसमें हड्डी के ऑपरेशन हो गए और इमरजेंसी सर्विसेज हो गई, ICU की सुविधा है, NICU की सुविधा है, इस प्रकार के इलाज की सुविधा, कई सारी बीमारियों का इलाज जो है, चिन्हित बीमारियों का हमारे अस्पताल में प्रदान किया जाता है। हमारे अस्पताल में मरीजों को भोजन भी निःशुल्क प्रदान किया जाता है, मरीज के परिजनों को आवश्यकता अनुसार उन्हें भी भोजन निःशुल्क प्रदान किया जाता है,
मरीजों के परिजनों के लिए रहने की व्यवस्था भी है हमारे अस्पताल में, ये सब निःशुल्क प्रदान की जाती है। SR हॉस्पिटल का मुख्य उद्देश्य है क्षेत्र की जनता को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुँचाना, शासन की जो लाभकारी योजनाएँ हैं उन लाभकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देना और लाभकारी योजना का पूर्णता लाभ क्षेत्रवासियों को प्रदान करना है। और एक मैं जनमानस को एक संदेश देना चाहूँगा, जिन व्यक्तियों के पास आयुष्मान कार्ड नहीं है, जिनका आयुष्मान कार्ड बना नहीं है, वे घबराएंगे नहीं, कभी भी अस्पताल में आते हैं राशन कार्ड लेके आ जाएंगे, राशन कार्ड और आधार कार्ड लेके आएंगे तो उनका आयुष्मान कार्ड बन जाएगा इलाज। नमस्कार, मैं डॉक्टर SPK सरवानी, शिशु रोग विशेषज्ञ, SR हॉस्पिटल चिखली दुर्ग में शिशु रोग विशेषज्ञ के पद पर कार्यरत हूँ। मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि हमारे हॉस्पिटल में आयुष्मान योजना के अंतर्गत और केंद्र के एवं राज्य के अन्य जो स्वास्थ्य संबंधित जो योजनाएं हैं उसके अंतर्गत पूरे जो बच्चों का जो है निःशुल्क इलाज किया जाता है। इसमें जो नवजात शिशु जो है समय से पूर्व पैदा होते हैं, या जो बहुत ही कम वजन के बच्चे रहते हैं, या बहुत क्रिटिकल बच्चे हैं जिनको बर्थ एस्फिक्सिया हुआ है, या सेप्टिसीमिया हुआ है, या और भी रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस जैसी कॉम्प्लिकेशन वाली जो बच्चे हैं उनका भी इलाज जो है हमारे उसके आयुष्मान योजना के अंतर्गत निःशुल्क प्रदान की जाती है। नमस्कार, मैं डॉक्टर रंजन सेन गुप्ता, SR हॉस्पिटल में मेडिकल अधीक्षक के रूप में कार्यरत हूँ। आज के ज़माने में चिकित्सा का खर्चा इतना बढ़ गया है कि सामान्य व्यक्ति के पहुँच के बाहर चला जाता है, लेकिन हमारा अस्पताल कटिबद्ध है कि ऐसे मरीजों को जितना भी सुविधा प्राप्त किया जा सके उनके इलाज के लिए हम करते हैं। सरकार की तरफ से आयुष्मान एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे अस्पताल में, जिसके द्वारा हम मरीजों को हर डिपार्टमेंट में, चाहे हड्डी रोग हो, चाहे पेट की बीमारी हो, चाहे हेड इंजरी हो, चाहे कोई भी बीमारी हो, इवन शिशु रोग में भी आयुष्मान की सुविधा हमारे अस्पताल में उपलब्ध है। इस आयुष्मान के द्वारा हमने कई बच्चों को, जो यहाँ बहुत ही गरीब बच्चे हैं जिनका हमने इलाज किया है, चाहे वो हड्डी टूटा हो, चाहे मस्तिष्क में चोट लगा हो, ऐसे बच्चों को ठीक करके हमने भेजा है। डिलीवरी केसेस में भी कई बच्चे कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरीज आते हैं जो हमारे दूसरे अस्पताल से रेफ़र होते हैं, उन्हें भी आयुष्मान के उपलब्धि से उनको सफलतापूर्वक इलाज किया गया। प्रशासन की तरफ से यह आयुष्मान एक बहुत बड़ी राहत बन के आई है मरीजों के लिए, जिसमें मरीजों को काफ़ी राहत मिलता है और इन्हें जो इलाज नहीं करा पा रहे थे गांव में बैठ के और झोला छाप डॉक्टरों के चक्कर में पड़ के उनका नुकसान हो रहा था, वो आज हमारे अस्पताल में आकर इसका लाभ उठा रहे हैं। SR हॉस्पिटल में विभिन्न विभागों में आयुष्मान मौजूद है, चाहे वो हड्डी रोग हो, चाहे ट्रॉमा के केसेस हो, चाहे डिलीवरी के केसेस हो, चाहे पेट के ऑपरेशन के पेशेंट्स हो, जिनके पास इतने बड़े इलाज के लिए उनके पास न रहा हो साधन, उन्हें आयुष्मान के द्वारा हमने ठीक किया है। तो आयुष्मान एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, सरकार के तरफ से बहुत बड़ा देन है जिसमें मरीजों का इलाज किया जा रहा है, और SR हॉस्पिटल में सारे डिपार्टमेंट्स में इसकी सुविधा उपलब्ध है। बहरहाल SR हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली दुर्ग ही नहीं अपितु आसपास के जिलों के मरीजों के लिए भी वरदान साबित हो रहा है। अस्पताल में सभी बीमारियों के उपचार और ऑपरेशन की आधुनिकतम सुविधा उपलब्ध है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।